नमस्कार, आप देख रहे हैं श्याम न्यूज मैनपुरी और मैं हूं आपके साथ श्याम किशोर यादव। गुरु राइडर्स टीम ने जीता फाइनल मैच। हम आपको बताते चलें, बाबा इंटरनेशनल स्कूल कोशोन में प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को फाइनल मुकाबला गुरु राइडर्स टीम व एएन पैंथर टीम के बीच हुआ, जिसमें गुरु राइडर्स टीम ने 7 विकेट से एएन पैंथर्स टीम को हराया। मैच में एएन पैंथर्स टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पूरी टीम ने 17.1 ओवर खेलकर 105 रन बनाकर आउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुरु राइडर्स टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट से मैच जीत लिया। गुरु राइडर्स टीम ने खिलाड़ी गुरु दयाल को मैच ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार थाना प्रभारी भोलू भाटी ने प्रदान किया। मैच में एम्पायरिंग की भूमिका उत्तम कुमार व अजीत कुमार ने निभाई। स्कोरिंग अमित कुमार शमरुद्दीन व कमेंट्री उज्जवल शर्मा ने की। इस मौके पर विद्यालय के MD रामोतार यादव, डायरेक्टर RP सिंह चौहान, प्रधानाचार्य BD आर्य यादव, प्रबंधिका सावित्री यादव के साथ अध्यापक सोनू यादव के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। साथ ही देखा जाए तो क्रिकेट इतना रोमांचक था कि अन्य स्कूलों के भी छात्र क्रिकेट देखने के लिए उत्सुकता दिखाई दे रहे थे। हालांकि 5 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा था, जिसमें बुधवार को फाइनल मैच किया गया, जिसमें गुरु राइडर्स टीम ने फाइनल मैच को 7 विकेट से एएनएम पैंथर्स टीम को हरा दिया। पैंथर्स टीम हारने के बावजूद भी विद्यालय की तरफ से उन्हें पुरस्कार दिया गया। वही मैच का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सचिंद्र सिंह, सह जिला कार्यवाहक RSS, विशिष्ट अतिथि थाना प्रभारी भोलू सिंह भाटी उपस्थित रहे। वही मुख्य अतिथि सचिंद्र सिंह, सह जिला कार्यवाहक RSS, विशिष्ट अतिथि थाना प्रभारी भोलू सिंह भाटी के द्वारा जीती हुई गुरु राइडर्स टीम को पुरस्कार वितरित कर उन्हें उत्साहित किया गया। टूर्नामेंट मैच में किन किन छात्रों को पुरस्कार वितरित किया गया, किसके द्वारा मिला, क्रिकेट टूर्नामेंट किस तरह होता है, आइए हम आप लोगों को आगे खबर के जरिए दिखाते हैं किस तरह टूर्नामेंट में प्रोग्राम चल रहा है। देखिए पूरी खबर खबर के जरिए। टीम का स्कोर 11 ओवर 3 बॉल 75 रन 6 विकेट के नुकसान पर बहुत ही अच्छा शॉट पहुंचे और फाइट हमेशा ऋणी रहेगा और जब भी कभी विद्यालय हमेशा ऋण उठा लिया है। देखते हैं और ये एम्पायर का इशारा
एम्पायर का सारा 6 रन डॉलर द्वारा टीम का स्कोर 11 ओवर 3 बॉल 75 रन 6 विकेट के नुकसान पर बहुत ही अच्छा शॉट डॉलर द्वारा। प्रिय दर्शकों, अपने आसपास की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए श्याम न्यूज मैनपुरी चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक जरूर करें। धन्यवाद।